टुडे गोइंग टू अनबॉक्स टेक्नो कंपनी का स्पार्क 6 गो। हम आज अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो मोबाइल डिवाइस है टेक्नो की और ये है मॉडल स्पार्क 6 गो और ये विजन है 2 GB रैम और 32 GB SSD के साथ आता है। अब आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं। इससे पहले हमारा ये जो पार्टनर मोबाइल स्टोर YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आती रहे। तो Spark 6 Go के मैं आपको क्विकली से हाइलाइट्स दे देता हूँ। ये Spark 6 Go टेक्नो का ये 32 GB रोम और 2 GB रैम में दस्तियाब है और इसके अलावा कुछ इसके हाइलाइट्स फीचर मैं आपको बता दूं। 6.52 डॉट नॉट स्क्रीन है इसकी, 5000 mAh की बैटरी दी हुई है, 13 MP का डुअल कैमरा दिया हुआ है फ्रंट कैमरा और इसके बाद 8 MP का इसका फ्रंट कैमरा है और साथ में एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और ये डिवाइस Spark 6 Go PTA से अप्रूव्ड है और इसका मॉडल KE5 दिया हुआ है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो हम देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। फाइनली हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है और इस डब्बे में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो फाइनली इसको अनबॉक्स करते हैं और ये कंपनी की एक लगी हुई है स्टिक जो मुझे बताती है मोबाइल ओपन है या नहीं है। तो हम फाइनली इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। और ये देखिए फाइनली हम देख रहे हैं ये बॉक्स है और हमने ओपन कर लिया। इसमें सबसे पहले हमें जो मिलता है ये डिवाइस मिलती है डिवाइस और इसको बाद में देखते हैं। हम डिवाइस को पहले बॉक्स में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। इसके अलावा हम जैसे ही बुक्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये एक पैकिंग में डब्बी मिलती है। इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ दी हुई है उन्होंने और इसके अंदर देखते हैं हम पैक कवर की दिया हुआ है मोबाइल का जो केस है पैक केस वो दिया हुआ और केस के अलावा इसमें एक क्विक लिंक मेन्यू दिया हुआ है और इसके अलावा ये हमें कुछ ये लोकेशंस बताई गई हैं कि हमारी ब्रांचेस ऑफिस लाहौर इस्लामाबाद कराची रावलपिंडी और अदर सिटीज़ में कहाँ कहाँ है और इसके ऊपर ये उन्होंने मॉडल नंबर परचेज डेट वगैरह जो डीलर रिटेलर है उनके लिए है और ये एक क्विकली इंफॉर्मेशन है सेफ्टली और कुछ भी नहीं है टेक्नो का लोगो है वगैरह। इसको साइड पे रखते हैं और देखते हैं और इसमें एक चार्जर है अडाप्टर है जो हम देख रहे हैं और ये अडाप्टर हमारे पास जो है ये अडाप्टर टेक्नो लोगो दिया हुआ है मॉडल लिखा हुआ है और एसएसडी चार्जर लिखा हुआ है। ये 10 वाट का है चार्जर और ये देखें और इसको साइड पे रखते हैं और इसमें डाटा केबल है और ये आप इससे डाटा और चार्जिंग कर सकते हैं और ये एक नॉर्मल केबल है इतनी अच्छी नहीं है चलें गुजारा और एक सिंपल नॉर्मल हैंड फ्री है इसके अंदर और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो फाइनली हम बॉक्स को सेट में करते हैं और जाते हैं डिवाइस की तरफ। डिवाइस में देखते हैं हमने क्या सी मिल रही है। डिवाइस में कुछ हाईलाइट फीचर दिए गए हैं जिसमें बताया गया इसकी 5000 mAh बैटरी है और इसकी 6.52 inch जो इसकी साइज स्क्रीन साइज है और इसमें कोई ख़ास नहीं है। स्लिम डिज़ाइन बताया गया है और 13 MP ड्यूल कैमरा बताया गया है और इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इसको अनबॉक्स खोलते हैं अनबॉक्स करते हैं कि अनपैकिंग करते हैं देखते हैं। ये इसकी फाइनली लुक है ये आप देख रहे हैं और ये उन्होंने यहाँ पे इस डिज़ाइन में देखें तो टेक्नो लिखा हुआ है स्पार्क लिखा हुआ है और इसके अलावा ये मोबाइल है। फाइनली ये डिवाइस है और ये देखें ये लुक है और ये फाइनली हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें बाकी कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है बाकी चीज़ें कैसी हैं।
तो हम ऑन की तरफ जा रहे हैं और मैं उतनी देर में ऑन होता है सैडनी वाली चीज़ें कवर कर दूं। एक सेट पे इसके जो है वॉल्यूम दिए गए हैं आप देख रहे होंगे, और वॉल्यूम में पावर का बटन किया हुआ है, प्लस एंड हाई एंड लो पावर, और इस साइड में कुछ भी नहीं है। और ये साइड बिल्कुल साफ़ है और ये साइड भी बिल्कुल साफ़ है। और नीचे उन्होंने माइक दिया हुआ है और 3.5 mm हैंड फ्री जैक दिया हुआ है, चार्जिंग जैक डाटा केबल और चार्जिंग जैक दिया हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं कौन सी चीज़ देख रहा हूँ, मुझे नहीं नज़र आ रही। ये मेरे ख्याल से मोबाइल ओपन होता है, नहीं ये डिवाइस ओपन नहीं होती। फाइनली ऑन हो गई है, इसका हम सेटअप करते हैं और हम सेटअप की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो सेटअप करते हैं, हम जाते हैं पैनल, ये हमारी डिवाइस ओपन हो गई है, हमने इसका सेटअप कर लिया है। ये देखें, हम देख रहे हैं इसके बैक स्टाइल लुक तो बहुत प्यारा है, और इसका ये देखें टच भी काफ़ी सॉफ्ट है। हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि 14,000 प्राइस तक ये मिल जाता है इजली मार्केट में, हम प्राइस के लिहाज से इसका देख सकते हैं कि इतना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइस के लिहाज से हम इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है। और इसमें देखें बड़ा सॉफ्ट है, और ये देखें, और इसके अलावा इसका टच बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा वेदर बाकी एप्लीकेशन से हैं, ऊपर से ऑप्शन ये चीज़ें दे रहे हैं जो बड़े प्यारे लग रहे हैं ऑप्शन। ये 2 स्टेप में है, 1 एंड 2 स्टेप में है, और उसके अलावा हमारे पास ये नीचे से ये मेन्यू खुलता है सारा, और ये चीज़ है, ये डायलिंग मेन्यू है। ये देखें बहुत प्यारा, मुझे तो अच्छा लगा है मोबाइल इसके प्राइस के लिहाज से, ये चीज़ नहीं है प्यास लाइस पे। आप अगर गेमिंग की मोड करें तो इसकी जो गेमिंग है आप कर सकते हैं इसमें गेमिंग, लेकिन लाइट गेम कर सकते हैं, हैवी गेम नहीं कर सकते क्योंकि 2 GB रैम में आपको भी पता है इतनी हैवी गेम नहीं होती, तो आप नॉर्मल गेम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कैमरे का रिज़ल्ट देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। तो मैं जैसा कि एक तस्वीर बनाता हूँ, फोक्स देखते हैं इसका, फोक्स तो बहुत कमाल का लग रहा है मुझे। ये मैंने फाइनली फ़ोटो बना ली है, इतनी ये देखें ख़राब हो गई है, इतनी क्लियर तो नहीं है फोक्स, लेकिन काफ़ी हद तक जैसे प्राइस के लिहाज से हम देखें तो इसका फोक्स सही है। हम दोबारा पिक्चर बनाते हैं और इसका फोक्स टेस्ट करते हैं, ये देखें इतना ज़्यादा फोक्स नहीं है। सब सर हम प्राइस के हिसाब से तो इतना ही फोक्स लगा सकते हैं और इतना ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइस लेवल में हम इतना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने गेम का बता दिया, बाकी टच सॉफ्ट है, बड़ा मोबाइल है, लुकिंग में, स्टाइलिंग में, डिज़ाइनिंग में अच्छा है, आम बंदे को पता नहीं चलेगा, बहुत कैरी करने में इजी है, लेकिन थोड़ा सा साइज बड़ा बाकी इजी है कैरी, लाइट वेट है, इतना वेट नहीं है, और बहुत अच्छा है मोबाइल है, और कान को लगाना इजी, बेस्ट इज बेटर चॉइस है अगर आप इस प्राइस बजट में लेना चाह रहे हैं तो। कम प्राइस में एक अच्छी चीज़, एक अच्छी डिज़ाइन और एक अच्छा लुक मिल जाए तो बेस्ट है ये डिज़ाइन, अगर आप टेक्नो 6 GO की तरफ जा सकते हैं। लेटेस्ट में ये आया है और बहुत बेहतरीन है। कुछ हम सेल्फ़ी सैंपल भी आपको दिखा देते हैं लेके, ताकि आपको पता चल गया सेल्फ़ी का इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये मैंने कुछ सेल्फ़ी सैंपल लिए हैं जो कि काफ़ी गहराई तक किसने सही इमेजिन किया है। ये देखें इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया हुआ है, मैंने 2 सेल्फीज क्लिक ली हैं, एक लाइट में एक बैक लाइट के साथ, लेकिन इसने फिर भी अच्छा रिज़ल्ट, अच्छी परफॉर्मेंस अदा की है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी सेल्फ़ी। बाकी जो इस बजट में वीवो वो ओप्पो को देता ही नहीं है अगर आते हैं उनसे ये क्वालिटी बेहतर लगी है, क्योंकि इसमें ब्यूटी कर दी है इसने, मुझे तो बहुत परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, मोबाइल भी अच्छा लगा है।
बहुत बेहतरीन है। अगर आप इस बजट में च्वाइस करते हो, 14,000 की बजट में एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 6GO पे जाके इजीली बाय कर सकते हैं। ये अपनी प्राइस पे पूरा पूरा आ रहा है, यानी कि इसकी क्वालिटीज हैं, स्क्रीन की क्वालिटीज हैं HD की, और इसकी कैमरे की परफॉर्मेंस है, और इसकी वीडियो की परफॉर्मेंस है जो मैं देख रहा हूँ वो वेरी वेरी नाइस है। अगर आप इस बजट में देखते हो तो आप मोबाइल ले सकते हो। और अगर आप इसमें सिम डालना चाह रहे हैं तो इसकी बैग खुलेगी। ओके, इसकी इस तरह बैग खुलेगी, ये बैग खुल के ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, ये एक प्लास्टिक की एक बाटी है, इस पर आपको साइड में रखना होगा। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिम का, अगर आप सिम डालना चाह रहे हैं, SD कार्ड डालना चाह रहे हैं, यहाँ पर SD कार्ड लगेगा और यहाँ पर सिम लगेगी। ओके, फाइनली ये मैं आपको बता दिया है, और यहाँ पे ये ओपन होने के बाद ही ये चीज़ें लगेंगी। ओके, और उसके बाद लगाने के बाद आप इसको बंद, ये ओपन होता है पीछे से, और फिर आप इसको बंद कर सकते हैं, ईजिली बंद करके इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसका चेक करेंगे फिंगरप्रिंट की स्पीड कितनी है। फिंगरप्रिंट बहुत तेज़ है, ये देखें, ये देखें, मैं सिर्फ ये देखें, ये देखें, फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है। मुझे इसकी फिंगरप्रिंट की स्पीड बहुत अच्छी लगी। इसका फेस कितना फास्ट है, ये मैं आप अपने फेस की तरफ कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, अब आप देख रहे हैं, मैंने ये पावर बटन दबाया, उसने फौरन स्कैन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा डिले लेता है, ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसे 2 सेकेंड। हाँ, इसके लिए आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। ये यह अगर यहाँ पे है तो आपको फेस के आगे लेके जाने, ऐसे इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। आई होप आपने वीडियो हमारा देखा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा, कि आपने टेक्नो का मोबाइल 6GO स्पार्क 6GO का अनबॉक्सिंग जो देखी है आपने। आई होप तो हमारे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लें, और हमारा यूट्यूब चैनल पार्क टाइम मोबाइल स्टोर सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही मोबाइल और एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग रिव्यू आते रहें। अगली वीडियो मिलते हैं, उस वक्त के लिए इजाजत है अपने दोस्त राधे मैगजीन को, गुड बाय।